नमस्कार, मेडिसिन के इस नए टॉपिक में हम बात करेंगे डायरिया को कैसे इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। तो हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायरिया में किन किन चीजों को ध्यान में रखेंगे। इसमें हम ब्लड को चेक कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं, जिसमें हम इन्फेक्शन का आइडिया बना सकते हैं, जैसे ल्यूकोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिलिया, इस तरीके की कंडीशंस अगर है तो इन्फेक्शन के बारे में एक मोटे तौर पर अनुमान बनाया जा सकता है। इसी तरीके से हम स्टूल का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। स्टूल में हम चाहे तो एक जनरल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। तो रूटीन एग्जामिनेशन में हम पस सेल्स या फिर आरबीसी को चेक करेंगे। तो ये इन्वेसिव डायरिया में आरबीसी की प्रेजेंस भी हमें मिलेगी, पस सेल्स की प्रेजेंस मिलेगी। तो ये सारी चीजें इन्वेसिव डायरिया की ओर इशारा करते हैं। तो स्टूल का एग्जामिनेशन भी डायरिया में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस दौरान कितने सेल्स होने चाहिए, तो हाई पावर फील्ड में 5 to 10 पस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके के प्रेजेंस स्टूल के एग्जामिनेशन में मिले तो ये डायरिया हो सकता है। ये सभी के सभी कंडीशंस इंडिकेट करते हैं कुछ इन्फेक्शन के बारे में, और इसी वजह से हम ऐसे सिचुएशंस में एंटीबायोटिक्स शुरू कर सकते हैं। तो ये सभी के सभी जो कंडीशंस हैं जिसमें हमने हाई पावर फील्ड में पस सेल्स देखा, आरबीसी देखा, तो इससे इन्फेक्शन का आइडिया लग जाता है और एंटीबायोटिक्स दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम KFT या RFT कर सकते हैं, जिसमें GFR घटा हुआ मिलेगा। ऐसा क्यों होगा, आप समझ सकते हैं डायरिया है, ब्लड का सॉरी फ्लूइड का लॉस हुआ है, इसके कारण फ्लूइड है नहीं तो GFR घटेगा। यह प्री रीनल कॉज ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी हो सकता है, हाइपोवोलेमिया की वजह से। मैंने एक्यूट किडनी इंजरी पर एक स्पेसिफिक लेक्चर में डिस्कस किया है, तो आपको वहां पर मैंने बताया था कि डायरिया की वजह से क्या होगा, फ्लूइड की कमी होगी, फ्लूइड की कमी होगी तो GFR कम हो जाएगा। तो ये एक्यूट किडनी इंजरी का प्री रीनल कैटेगरी का एक कॉज माना जा सकता है। फ्लूइड नहीं है तो ब्लड नहीं है, ब्लड नहीं है तो GFR घट जाएगा। इसके अलावा सीरम सोडियम और सीरम क्रिएटिनिन का लेवल भी यहां पर कंसीडर करना जरूरी होता है, उस पर भी हम कमेंट कर सकते हैं। ब्लड का कल्चर करके हम उसमें ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस को हम देख सकते हैं। तो तमाम ऐसे कंडीशंस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड में है, तो उसको ब्लड के कल्चर करके हम पता कर सकते हैं कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इन्फेक्शन किए हुए हैं। तो ये कई अलग अलग तरीकों से हम पता करते हैं। हालांकि डायरिया में हमें सिम्टोमेटिक और ओवरऑल हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं, ताकि ओवरऑल जो भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो वो समाप्त किया जा सके। तो हम मैनेजमेंट में करते क्या हैं, इसके मैनेजमेंट में WHO के द्वारा गाइड किया गया ORS देते हैं। अगर डिहाइड्रेशन नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ हमें WHO के द्वारा बताए गए ORS देने चाहिए। WHO के द्वारा दो अलग अलग ORS के फार्मूले दिए गए हैं। इसमें करंटली रिड्यूस्ड ऑस्मोलैरिटी ORS ज्यादा प्रचलन में है, जिसमें सोडियम का मिलीक्वेलेंट कंसेंट्रेशन, मिलीक्वेलेंट या मिलीमोल पर लीटर जो कंसेंट्रेशन है वो 75 मिलीक्वेलेंट पर लीटर है। सोडियम ग्लूकोज के बराबर ही होगा और क्लोराइड 65, पोटेशियम 20 और सिट्रेट 10 मिलीक्वेलेंट पर लीटर, और ओवरऑल टोटल ऑस्मोलैरिटी यहां पर 245 मिलीक्वेलेंट या मिलीमोल पर लीटर इसका रखा गया है। ये WHO के द्वारा सुझाया गया कंसेंट्रेशन का पैटर्न है। जो स्टैंडर्ड था उसका टोटल ऑस्मोलैरिटी 311 था, अब 245 या 245 मिलीक्वेलेंट पर लीटर ओवरऑल लो ऑस्मोलैरिटी का फार्मूला WHO ने गाइड किया, मींस दुनिया के सामने रखा है। यह आजकल ज्यादा प्रचलन में है। आजकल हम ORS के तमाम अलग अलग प्राइवेट और गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा सप्लाई के बारे में देखते हैं, जैसे ये FDC कंपनी के द्वारा इलेक्ट्रॉल के नाम से फेमस है। आप यहां पर इसके कवर पर देखेंगे तो ये फार्मूला ओवरऑल 245 मिली ऑस्मोल या मिली क्वेलेंट या मिली मोल पर लीटर का फार्मूला यहां पर दिया गया है। इसमें जब आप इसको जूम करेंगे तो सारी चीजें नजर आएंगी जो अभी हमने डिस्कस किया, सोडियम कितना होना चाहिए,
कितना मिली ऑस्मोल या मिली क्वेलेंट या मिली मोल होना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ दी गई हैं। इसको बनाते समय कितना कंसंट्रेशन मिक्स किया गया है उसको भी बगल में दिया गया है। तो ये इलेक्ट्रॉल प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा बेची जाती हैं। इसी तरीके से आजकल ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में जो WHO रिकमेंडेड फार्मूला है उसको तमाम कंपनियां फ्रूटी के तरीके से, जैसे फ्रूटी के टेट्रा पैक आते हैं, वैसे ही ORS के अब नए टेट्रा पैक मार्केट में आ रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट एजेंसीज भी इसको बेच रही हैं, और आप यहां पर इस फार्मूले में देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड कितना मिलाया गया है, ये डेक्सट्रोज कितना मिलाया गया है, पोटेशियम क्लोराइड कितना मिलाया गया है, सोडियम सिट्रेट कितना मिलाया गया है। तो इसकी पूरी की पूरी जो कंसंट्रेशन है उसको यहां पर मेंशन किया गया है, जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज भी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं। तो ये इंडिया में इस तरीके के पैकेट्स हम अपने आसपास देखते हैं, और वर्तमान में लो ऑस्मोलैरिटी या लो ऑस्मोलैलिटी जो भी आप कह लें उस फार्मूले का ORS का कंपोजिशन हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो ORS का जो फार्मूला है उसमें 75 मिली मोल पर लीटर या मिली ऑस्मोल या मिली क्वेलेंट पर लीटर होना चाहिए, पोटेशियम 20 और क्लोराइड 65, सिट्रेट 10, ग्लूकोज सोडियम के बराबर ही होना चाहिए। तो यहां पर ओवरऑल इसमें ग्लूकोज मैंने शामिल नहीं किया, ग्लूकोज को भी आप ऐड करेंगे तभी ये 245 मिली क्वेलेंट पर लीटर हो जाएगा। ग्राम में इसका कंपोजिशन जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था गवर्नमेंट एजेंसी के बैक कवर पे, ग्राम में ही उसका कंपोजिशन दिया गया था। तो उसमें सोडियम क्लोराइड कितना होगा 2.5 ग्राम, यहाँ ट्राई सोडियम सिट्रेट होगा 2.9 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड होगा 1.5 ग्राम और ग्लूकोज होगा 13.5 ग्राम। तो ये अलग अलग कंपोजिशन अलग अलग तरीके से तमाम किताबों में, सॉरी तमाम बैक कवर्स पे आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल जब आप इसको आइडियली बनाएंगे तो इसका ओवरऑल टोटल कंसंट्रेशन 245 मिली क्वेलेंट पर लीटर ही मिलेगा। खैर, इसके अलावा हमें जिंक के टैबलेट्स भी देने चाहिए। तो यहां पर ORS के साथ ही साथ जिंक के टैबलेट्स भी दिए जाते हैं। यहां पर हम PSM में देखते हैं कि किस तरीके से डायरिया को कंट्रोल करने के लिए उपाय सुझाए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला तरीका यही होता है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड दिया जाए। मदर से कहा जाता है कि वो अपने बेबी को ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड दें, और इसके साथ ही साथ हम ORS भी देने के लिए मदर को कहते हैं। सपोर्टिव मैनेजमेंट में अगले 10 दिनों तक जिंक के टैबलेट्स। यहां पर हम देख सकते हैं दूसरा तरीका यह है कि ORS के साथ ही साथ जिंक दिया जाए, और ये पूरी के पूरे तरीके अगर अपनाए जाते हैं तो मदर अगर अगले 10 दिनों तक देती हैं तो बच्चे की कंडीशन ठीक हो जाती है। अगर दिक्कत बढ़े तभी इमिडिएटली हेल्थ सेंटर पर बच्चे को ले जाना चाहिए। तो ORS के साथ ही साथ जिंक के टैबलेट्स भी दिए जाते हैं। कितना देना चाहिए, 10 to 14 डेज तक दे सकते हैं 10 mg OD 2-6 मंथ के बेबी के लिए। आप क्या करेंगे, 10 mg OD 14 डेज, 10 to 14 डेज आप दे सकते हैं, 20 mg OD फॉर 14 डेज। आइडियली आप मिनिमम 10 डेज के लिए देना चाहिए, 10 to 14 डेज तक देंगे 2 weeks तक। ये 6 मंथ से लेकर 5 ईयर्स तक के बच्चों के लिए डोज हम जस्ट डबल कर देते हैं। क्यों डबल किए, इसके बारे में आप समझ सकते हैं ना, बच्चे बड़े हैं तो वहां पर हमें डोज भी डबल करना पड़ेगा। 2 से 6 महीने के लिए 10 mg OD डोज देंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जिंक एपिथेलियल रीजनरेशन में सपोर्ट करता है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को फास्ट करता है, इसीलिए जिंक का सप्लीमेंटेशन ORS के साथ देने पर बेहतर रिजल्ट्स देखे गए हैं। यह डायरिया का रिकरेंस कम करता है, और इसका क्लिनिकल इफेक्ट्स भी देखा गया है, क्लियर बेनिफिशियल इफेक्ट्स देखे गए हैं 6 मंथ से ज्यादा उम्र के बच्चों में, और यह एक्यूट और क्रॉनिक दोनों ही तरीके के डायरिया को ट्रीट करने में बेहद असरदार साबित हुआ है। हमने कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ रखा है कि जो जिंक के टेबलेट्स आते हैं वो 20 mg के टेबलेट्स होते हैं, 6 मंथ से 5 ईयर्स के बच्चों तक फुल टेबलेट्स देना चाहिए अगले 10 to 14 डेज तक, और 2 to 6 मंथ तक हाफ टेबलेट्स देना चाहिए। ये करेगा क्या, ये डायरिया के फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करेगा, इम्प्रूवमेंट में मदद करेगा, इम्यूनिटी को ठीक करेगा, और
वाटर रीअब्सॉर्प्शन में मदद करेगा। एक्चुअली डायरिया का जो टॉपिक है ये कम्युनिटी मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें एक्यूट डायरिया के 3 कैटेगरीज बनाने पड़ते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। तो प्लान ए में एक्चुअली बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन नहीं है, तो इसलिए इसमें हम होम ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें कुछ बेसिक तरीके अपनाते हैं, जिसमें ORS का सोल्यूशन देंगे, फ्लूइड की मात्रा बढ़ा देंगे और मदर को बताएंगे कि किस तरीके से ORS बनाना है और उसको कैसे बच्चे को देना है। यहां ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है, बिल्कुल कंट्रोलेबल है ये सिचुएशन। इसमें 2 ईयर्स तक के बच्चों को हर लूज स्टूल के बाद हम एडिशनल इनटेक कराएंगे 50 to 100 ml ऑफ फ्लूइड का ORS का। 2 ईयर्स या उससे ज्यादा है तो 100 से लेकर 200 ml तक हम फ्लूइड देंगे। 10 ईयर्स से अगर ज्यादा है बच्चा तो जितना ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं उनको हम कहेंगे कि वो दें। ट्रीटमेंट प्लान बी जब सम डिहाइड्रेशन होता है तो उस समय देते हैं। इसमें ORS का अमाउंट हम 4 आर के पीरियड के लिए तय करते हैं, 75 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम इस अमाउंट को देंगे, और अगर चाइल्ड और ज्यादा ORS चाहते हैं तो हम और भी ज्यादा दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर सम डिहाइड्रेशन है, लगभग 5 to 10% फ्लूइड लॉस है, इसलिए हम ये तरीका अपनाते हैं। इसमें और भी स्पेसिफिक कंडीशन है, इसको हम पीड्स में बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ओवरऑल मोटे तौर पर हमें समझ में आना चाहिए कि अगर सम डिहाइड्रेशन है तो ट्रीटमेंट प्लान बी के मुताबिक ओवर द 4 आर 75 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से ORS देंगे, ज्यादा चाहिए तो और भी ज्यादा दे सकते हैं। अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है यानी मोर देन 10% ऑफ बॉडी फ्लूइड का लॉस हो चुका है, तो ऐसे मामलों में हम प्लान सी के बारे में सोचेंगे। इसमें IV फ्लूइड देने की जरूरत पड़ती है, रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन देते हैं। इसमें ओवरऑल हमें कितना रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन देना है, IV फ्लूइड देना है, वो 100 ml पर kg होता है, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 30 ml पर kg फास्ट रूट से देंगे और स्लोली देंगे 70 ml पर kg के उस हिसाब से। तो फास्ट जो 30 ml पर kg देंगे, ओवरऑल हम 100 ml पर kg के हिसाब से हमें देना है, और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर 1 ईयर से कम उम्र का बेबी है तो 30 ml पर kg 1 आर में देंगे, और 70 ml पर kg के हिसाब से जो फ्लूइड देना है वो अगले 5 आवर्स में देंगे। टोटल 6 आवर्स में हम इसे कवर करते हैं। लेकिन अगर 1 ईयर से 5 ईयर्स के बीच का एज है तो हम इस फ्लूइड जो देना है उसको हाफ टाइम में देंगे। यहां पर जो फ्लूइड देना है वो हाफ टाइम में देंगे। ओवरऑल टोटल आप करेंगे तो 100 ml पर kg के हिसाब से अगले 6 आवर्स में 1 ईयर तक के बच्चों में देना चाहिए, और 2-3 ये 6 आवर्स हो गया तो उसका हाफ हो गया, 3 आवर्स के भीतर हमें ये डोज देना होगा। अगर 5 ईयर्स तक के एज के मामले हैं, 1 ईयर से 5 ईयर्स तक का मामला है, तो ये 3 आवर्स के भीतर हम वही क्वांटिटी देंगे। ओवरऑल फ्लूइड जो देना है वो 100 ml पर kg के हिसाब से देना है, रिंगर लैक्टेट का। उस दौरान हम बच्चे की कंडीशन को एसेस करते रहेंगे, और हाइड्रेशन स्टेटस अगर इम्प्रूव ना हो तो हम इस डोज को तेजी से भी दे सकते हैं, और जो ही बच्चा इतना मीन्स खुद से अगर ले सकते हैं यानी वो ORS पी सके ओरल रूट से, तो हम 5 ml पर kg पर आर के रेट से हम उनको ORS भी दे सकते हैं, जो ही चाइल्ड पीने लायक हो जाते हैं। ओवरऑल एसेस करेंगे इस पूरे के पूरे डोज को देने के बाद, जैसे 1 ईयर का तक के अगर बच्चे हैं तो 6 आवर्स लग जाएंगे पूरा का पूरा डोज देने में, तो हम 6 आवर्स के बाद रीअसेस करेंगे, और चाइल्ड यानी इन्फेंट मीन्स अप टू 1 ईयर, तो इन्फेंट तक का मामला है तो हम 6 आवर्स के बाद रीअसेस करते हैं। अगर चाइल्ड है यानी 1 ईयर से ज्यादा और 5 ईयर्स तक का मामला है तो उसमें 3 आवर्स के बाद हम रीअसेस करते हैं, फर्दर डिसाइड करते हैं ट्रीटमेंट को। तो हम लोगों ने इसके पहले जो भी ORS और जिंक के बारे में पढ़ा वो चीजें नॉर्मल, नो डिहाइड्रेशन है तो भी लगातार अगर मीन्स डायरिया अगर है तो
तो हमें देना चाहिए, लेकिन अगर सम डिहाइड्रेशन है तब तो हमें सावधानी के साथ देना है, क्योंकि अब फ्लूइड का लॉस हो चुका है, जो करीब 5-10% तक बॉडी का फ्लूइड लॉस हो चुका है। तो ऐसे मामलों में हम क्या करेंगे, सम डिहाइड्रेशन प्लान बी करेंगे, 75 ml/kg ऑफ ORS नेक्स्ट 4 आवर्स में देंगे। ये 4 ईयर नहीं लिखा हुआ है, ये 4 आवर्स होना चाहिए, अगले 4 घंटों के भीतर हम देंगे 75 ml/kg के रेट से हम देंगे। अगर और ज्यादा चाहिए तो हम और ज्यादा भी दे सकते हैं। सीवियर डिहाइड्रेशन है जिसमें 10% से ज्यादा फ्लूइड का लॉस हो चुका है, जिसमें हम 100 ml/kg के रेट से फ्लूइड चढ़ाएंगे रिंगर लैक्टेट, और इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन का 30% और 70% पार्ट्स इस तरीके से डिवाइड करते हैं। रिंगर लैक्टेट में किस चीज का कंपोजिशन होगा, ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड लैक्टेट और ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम और फास्फोरस यानी फास्फेट भी उसमें अवेलेबल होते हैं। ये खास तौर का सोल्यूशन होता है जो कि अब हम सीवियर डिहाइड्रेशन के मामलों में आईवी रूट से देंगे। अभी तक हम ORS देते थे, अब हम आईवी रूट से दे रहे हैं। सीवियर डिहाइड्रेशन है, मोर देन 10% मामला है, तो इसमें सोडियम कितना होगा ये मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कंपोजिशन पूछा जा सकता है। तो इसमें सोडियम 130, पोटेशियम 4, क्लोराइड आयन 109, लैक्टेट 26-27 होता है, ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम और फॉस्फेट होते हैं। तो ये इसका कंपोजिशन भी हमें याद रखना है। सीवियर डिहाइड्रेशन है, आईवी रूट से देंगे, इसमें 100 ml/kg को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 30 ml/kg, 70 ml/kg, और देने का तरीका टाइम ड्यूरेशन भी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। एक जब हम इन्फेंट्स के लिए बात करते हैं, जैसे इन्फेंट्स के लिए जब देना है तो हम रेट को स्लो रखते हैं, ज्यादा देर तक देंगे, धीरे धीरे करके देंगे। तो 30 ml/kg का के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे और जो भी डोज बनेगा उसको 1 आवर में 30 ml/kg के हिसाब से देंगे, और 70 ml/kg के हिसाब से जो फ्लूइड होगा उसको अगले 5 आवर्स में देंगे। तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए, 1 आवर से लेकर 6 आवर्स के बीच में, यानी अगले 5 आवर्स तक हम क्या करेंगे, 70 ml/kg के रेट से फ्लूइड देंगे। अब 1 ईयर से ज्यादा है तो इस रेट को हम फास्ट कर देंगे, और जो ड्यूरेशन है 6 आवर टोटल देने का वो हम 3 आवर्स में कवर कर लेंगे। 30 ml/kg के हिसाब से जितना फ्लूइड देना है वो 1/2 आवर में देंगे, और नेक्स्ट 2.5 आवर्स में हम 70 ml/kg के हिसाब से डिप को चढ़ाएंगे। अगर कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही तो रेट और भी फास्ट किया जा सकता है, लेकिन हम एसेस करते हुए ही इन सारी चीजों को देखेंगे। इसमें एंटीबायोटिक्स भी दिया जा सकता है, तो एंटीबायोटिक्स किन किन कंडीशंस में देना है उसको भी समझ लें। अगर पस सेल्स स्टूल में मिल रहा है, यानी सीधी सी बात है इन्फेक्शन है, RBC मिल रहा है, तो इन्वेसिव डायरिया का आइडिया लग जाता है। तो ये दोनों ही प्रेजेंस इन्वेसिव डायरिया के बारे में बताते हैं। हाई ग्रेड फीवर है तो भी हमें पता चल जाता है इन्फेक्शन है। इसमें हम कौन सा एंटीबायोटिक्स देंगे, अगर इन्वेसिव डायरिया है तो फ्लोरोक्विनिनोन दे सकते हैं, एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स भी दिए जा सकते हैं। तो इसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स में हम ओफ्लॉक्सासिन देंगे, और एंटी हेलमेंट्स के रूप में मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं। ये कंडीशंस हम अपनाते हैं क्योंकि हमें इसके ड्रग्स हमें देने पड़ेंगे, क्योंकि आरबीसी और पस सेल्स की प्रेजेंस है जिससे पता चल रहा है कि ये इन्वेसिव डायरिया हो सकता है। इसके अलावा दूसरे कॉम्बिनेशंस भी अवेलेबल हैं तो वो दिए जा सकते हैं। ध्यान हमें रखना पड़ता है कि इन्वेसिव डायरिया है, हाई ग्रेड फीवर है, जिसमें आप देखेंगे कि हाई ग्रेड फीवर है तो भी हमें देना पड़ सकता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में भी हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। एज अगर 60 ईयर से ज्यादा है तो भी हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। सीवियर डिहाइड्रेशन और शॉक की प्रेजेंटेशन के साथ है तो भी हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। ऐसे मामलों में हम डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। एज 8 ईयर से ज्यादा होना चाहिए तभी हम इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। इस ड्रग को 8 ईयर से बिलो उम्र के बच्चों में हमें नहीं देना चाहिए। अब एक बेसिक आइडिया हमें लग गया है डॉक्सीसाइक्लिन का साइड इफेक्ट क्या है उसको भी समझ लें। वो स्टेनिंग ऑफ टीथ डॉक्सीसाइक्लिन का साइड इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रॉनिक डायरिया के बारे में अगले लेक्चर में।